मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी वल्लरी से जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है चैप्टरों में अब तक हमने एक वचन बहुवचन को किस तरह वाक्य में जो है वाक्य के लिंग या संज्ञा के जो है बदले में किस तरह हम एक वचन बहुवचन का प्रयोग करना है, कौन से लिंग जब यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो उसमें शब्दों में किस तरह वाक्य जो है बदलता है, इन सब का जो है क्रिया के समय किस तरह बदलता है इसको हमने जो है देखा है। उसी के अंतर्गत आगे जो है बढ़ते हुए आज हम पाठ संख्या 17, ठीक है, जिसका शीर्षक है जाएगा, जाएंगे, जाएगी और जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर देखिए, आपको जैसे कि पता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन, तो जाएगा ये एक वचन शब्दों के लिए प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में कोई आपसे हम उम्र यानी आपका मित्र हो या उससे आपसे छोटा है तो उसके लिए जाएगा का प्रयोग कर सकते हैं, और जाएंगे ये बड़ों के लिए और आदर देने के लिए इसका हम बहुवचन के रूप में वाक्य के अंतर्गत इस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं जाएंगे। उसी प्रकार जाएगी, जाएगी ये है आपकी जो हम उम्र वाले या आपसे छोटे हैं तो स्त्रीलिंग में हो तो उस समय आप क्या करना है, जाएगी इसका प्रयोग करना है। उसी प्रकार कोई स्त्रीलिंग जो बहुवचन वाक्य में हम प्रयोग करना है आपसे बड़े हैं तो मान सम्मान देने के लिए आदर देने के लिए जाएंगी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा जाएगी, जाएंगे, जाएगी और जाएंगी इस तरह प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो हैं क्रियाएं हैं, जाने की क्रिया है। यहाँ पर हम लिंग वचन के अनुसार वाक्य में जो है क्रिया को बदल रहे हैं। जैसे एक वचन पुल्लिंग है तो जाएगा इस क्रिया को लगाएंगे, उसी प्रकार बहुवचन में है तो पुल्लिंग तो हम उसे जाएंगे का प्रयोग करते हैं क्रिया को, उसी प्रकार एक वचन स्त्रीलिंग है तो वाक्य में हम जाएगी का क्रिया का जो है प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बहुवचन स्त्रीलिंग है तो उस समय हम क्रिया को इस तरह प्रयोग करते हैं जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह किस प्रकार जो है वाक्य बनते हैं उसे अब हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह जो है एक वचन में और बहुवचन में प्रयोग करते हैं, क्रिया को किस तरह प्रयोग करते हैं। ये सब जो है जाने की क्रिया है, ये आप ध्यान में रखिए। जाने की क्रिया को जो है एक वचन के अनुसार, बहुवचन के अनुसार, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार किस तरह बदल रहे हैं, इन सब को इस पाठ के अंतर्गत सीखने जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखेंगे इस पाठ संबंधित वाक्यों को देखते हुए हमें जो है और भी आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। पहले हम चित्र को देखेंगे, ठीक है। इस चित्र को यदि बाजार में ऐसा कोई जो है आपका मित्र जा रहा है या आपसे छोटा कोई भाई जा रहा है, बहन जा रही है, तो यहाँ पर पुल्लिंग होने के कारण हमें छोटा भाई या आपका मित्र ऐसे लेना है, तो दुकान से कुछ वह राशन लेकर जा रहा है, ठीक है। तब आप जो है हिंदी में वाक्यों को प्रयोग करते समय किस तरह प्रयोग करना है ये जो है इस पाठ के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो आपको पहला दृश्य देखना है, अपने अपने जो भाषाएं होती हैं ज्यादातर हिंदी सभी की है भाषा, तो जो भी कन्नड़ या अन्य तेलुगु वाले हैं वो अपने इस चित्र को देखकर अपने भाषा में जो है वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार हिंदी में किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए।
जैसे ये जो लड़का है इसका नाम मनोहर है, तो वाक्य कैसे बनेंगे? देखिए, मनोहर दुकान जाएगा, यानी जाने की क्रिया जो है। तो आप यदि मित्र को दुकान जाने के लिए कहेंगे तो दूसरे को बता रहे हैं कि मनोहर दुकान जाएगा। उसी प्रकार वह राशन लाएगा, वह राशन लाएगा। वह का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आप जो है निश्चित वाक्य जो है बता रहे हैं, निश्चितता को बता रहे हैं। तो यहां पर और उसमें ये एक वचन जो है मनोहर जो है ये की व्यक्ति होने के कारण वह का हम प्रयोग कर रहे हैं। वह राशन लाएगा, राशन यानी जो भी आपके घरेलू जो चीजें लगते हैं राशन के प्रति, खाने में जो जो भी चीजें हैं वह राशन के दुकान से लाया जाता है, जैसे चावल हो, गेहूं हो, तो आटा हो, ये सब जो है राशन कहलाता है। तो वाक्य फिर से पढ़ेंगे हम, मनोहर दुकान जाएगा, वह राशन लाएगा। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आया होगा वाक्य में देखकर। इसे बार बार आप जो जो है दोहराना है, इससे आपको जो है वाक्य समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एक वचन में जो है एक व्यक्ति होते समय, या आपके हम उम्र या आपसे छोटे हैं, तो किस तरह आप पुल्लिंग में प्रयोग किया है। उसी प्रकार आपसे बड़े हैं उनको सम्मान देने के लिए जो वाक्य हम अपनाते हैं जाने की क्रिया के लिए, यहाँ पर हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े यानी हमसे बड़े हैं कुछ हाथों में सामान लेकर या खिलौने जैसे, वहां पर आप सामान देख सकते हैं। तो कहाँ पर जाकर ये लाते हैं? और ये सभी जो है वाक्य के जरिए आप कैसे बनाएंगे उसे अब हम देखेंगे। ठीक है, वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं देखिए। जैसे चाचा जी शहर जाएंगे, शहर यानी सिटी। ठीक है, तो गांव में होते हैं तो शहर में जाते हैं, तो कोई ना कोई चीजें लाते हैं खाने के हो या खेलने के हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अवश्य खाने के लिए या खेलने के लिए कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। आप भी ऐसे अनुभव किया होगा, आप भी जब छोटे यानी आप भी अभी भी आप छोटे ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ, गांव जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाते हैं, कभी कभार नहीं लाते हैं तो आप रूठ भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाक्य कैसे प्रयोग करते हैं। चाचा जी शहर जाएंगे, जाएंगे यानी जाने की क्रिया यहाँ पर बता रहे हैं। चाचा जी होने के कारण इनको सम्मान देने के लिए या बहुवचन में हम वाक्य लिखना पड़ता है, चाचा जी शहर जाएंगे। ठीक है, जाएंगे ये का हमने प्रयोग किया है, तो ये भी जो है निश्चित वाक्य है। लेकिन हमें एक वचन का सर्वनाम शब्द नहीं प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। वह के बदले में हमने क्या प्रयोग करना है? वे का। चाचा जी को बार बार नहीं, ये संज्ञा पद है, उसे हम उसके बदले में प्रयुक्त यानी प्रयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। वे जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो द्वितीय पुरुष के अंतर्गत आता है, वे खिलौने लाएंगे, नहीं ये। ठीक है, तो वे खिलौने लाएंगे। देखिए किस तरह वे खिलौने, खिलौने का अर्थ होता है जो खेलने के साधन होते हैं। जैसे यहाँ पर वहां चित्र भी दिखाया है, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ आवाज करने वाली जो है खिलौने लाते हैं। जो उससे बड़े हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, घोड़े को, ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, ऐसे आदि सामानों को जो है वे लेकर आते हैं, खिलौने के अंतर्गत आते हैं जो खेले जाते हैं। ठीक है, चाचा जी शहर जाएंगे, वे खिलौने लाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पुल्लिंग के अंतर्गत बहुवचन में किस तरह वाक्य प्रयोग करते हैं उसे देखा। तो यहाँ पर दूसरे में, तीसरे वाक्य में देखिए, यहाँ पर एक से अधिक महिलाएं यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इसीलिए हम बहुवचन का जो है प्रयोग कर दिखाई देगा यहाँ पर। किस तरह है देखेंगे,
महिला एक है तो महिला, यहां पर एक से अधिक है तो क्या होगा, महिलाएं। महिलाएं मेला देखने जाएंगी, तो मेला जा रहे हैं तो उनके हाथ में थैला है, जो भी मेले में जो अच्छा लगता है वो थैले में लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर महिलाएं मेला देखने जाएंगे, मेला का अर्थ होता है जो है फेर, ठीक है, जात्रे कन्नड़ में कहते हैं। महिलाएं मेला देखने जाएंगी, देखिए वह साड़ियां लाएंगी, यहां पर वह का प्रयोग सही नहीं लग रहा है, वे का प्रयोग करना था। ठीक है, तो देखिए यहां पर वे का प्रयोग होना था, आई थिंक वे साड़ियां लाएंगी, क्योंकि बहुवचन में वह का प्रयोग नहीं कर सकते, वे साड़ियां लाएंगी। महिलाएं मेला देखने जाएंगी, वे साड़ियां लाएंगी, वह का प्रयोग हुआ है, वे साड़ियां लाएंगी, ऐसे ही सही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, तो आपको समझ में आया। तो उसके बाद एक वचन स्त्रीलिंग में किस तरह प्रयोग करते हैं, देखिए यहां पर एक लड़की को आप देख रहे हैं, उसका नाम सरला है, तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, सरला स्कूल जाएगी, सरला स्कूल जाएगी, जाने की क्रिया जो है चल रही है, वह पुरस्कार जीत कर आएगी, वह पुरस्कार जीत कर आएगी। ठीक है, तो आप पुरस्कार यानी जो है बहुमान, तोहफा, ठीक है, पुरस्कार जो है, किसी पुरस्कार कब देते हैं, जब आप स्कूल में अव्वल आए हैं, कुछ जो है हटके से जो है आपने कुछ उसमें कुछ नया जो है आविष्कार किया है, तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस तरह पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन के समय किस तरह आप प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में एक वचन या बहुवचन के अंतर्गत कैसे आप प्रयोग करते हैं, संज्ञा के बदले में जो भी शब्द यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, उसका भी आप जो है यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं। ये आपको समझ में आया है तो अब हम जो है अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास में देखिए यहाँ पर फिर से जो है रिक्त स्थान को भरना है हमें अभ्यास भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है वह दुकान डैश, वह जो है दुकान जाएगा या जाएंगी, जाएंगे, देखिए यहाँ पर जाएगा जो है ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है, जाएंगे जो है बहुवचन के लिए, यहाँ पर वह दिया है, वे नहीं कहा है, वह, यानी वह कब प्रयोग करते हैं, एक वचन में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमें जो है कौन सा शब्द हमें भरना पड़ेगा, तो सही है वह दुकान जाएगा। ठीक है, वे होता तो वे दुकान जाएंगे होता था। ठीक है, तो हम जाएगा का प्रयोग किए, फर्स्ट जो विकल्प है जाएगा का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए नीचे है दूसरा वाक्य, वे खिलौने डैश लाएगा या लाएंगे, तो किसका सही लगेगा, वह एक वचन में, वे जो है बहुवचन में, तो हमें क्या किसका प्रयोग करना है, लाएगा या लाएंगे का प्रयोग करेंगे, सही पहचाना, तो वाक्य ऐसे बनेगा वे खिलौने लाएंगे, लाएगा इसीलिए वह वहां पर प्रयोग करते तो लाएगा का प्रयोग होता, वे प्रयोग करने से जो है लाएंगे, जो सेकेंड विकल्प यानी ऑप्शन जो है वही सही है। देखिए वे खिलौने लाएंगे, वही वह होता तो वह खिलौने लाएगा। ठीक है, आगे नहीं, वह खिलौना लाएगा, खिलौने जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, खिलौना खिलौने, ठीक है, वह खिलौना लाएगा, वे खिलौने लाएंगे। ठीक है, इस तरह दो वाक्य बनते हैं। तो तीसरा देखेंगे अब हम, सरला स्कूल डैश, तो सरला जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक है सरला, यहाँ पर दो वाले दो जो है नहीं है, तो क्या होगा, जाएंगी या जाएगी का प्रयोग होगा, तो सरला एक वचन स्त्रीलिंग होने के कारण
सरला स्कूल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। तो वाक्य बनेगा सरला स्कूल जाएगी। उसी प्रकार अगला देखिए चौथा है, महिलाएं मेला देखने डैश जाएंगी जाएगी। तो क्या होगा, महिला ये है इसका मतलब बहुवचन है, यहाँ पर एक से अधिक महिला है, इसीलिए महिलाएं मेला देखने जाएंगी। पहला ऑप्शन सही है, महिला ये मेला देखने जाएंगी। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। उदाहरण के अनुसार हमें शब्द जो है बनाने हैं। जैसे आना जो है मूल क्रिया है, उससे देखिए पहले हमें स्त्रीलिंग उसके बाद पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग एक वचन पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। जैसे आना आएगी आएगा, हमने यहाँ पर आना का आएगी और आएगा का प्रयोग किया है। उसी प्रकार जाना तो क्या होगा, जाएगी जाएगा, उठना उठेगी उठेगा, बैठना के लिए क्या होगा, बैठेगी बैठेगा, पढ़ना देखिए पढ़ेगी पढ़ेगा, खेलने के लिए खेलेगी खेलेगा। ठीक है, इस तरह जो है वाक्य बनते हैं। तो आपके लिए गृह कार्य यही है कि ये जो आपने चार यहाँ पर जो है शब्द हैं, जैसे क्रिया के शब्द हैं, जैसे जाएगा जाएंगे और क्या है, जाएगा जाएंगे जाएगी जाएंगी। तो इससे दो दो अन्य जो है आपको वाक्य लिखने हैं। इसका सहायता से आप जो है वाक्य को पढ़िए और इससे दो है अन्य दो वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा तो इस तरह आज हमने लाइव क्लास के अंतर्गत पाठ संख्या 17 का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।